एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में मैं एक लास्ट मिनट फेस्टिव स्पेशल रेसिपी बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान है बनाना और झटपट बन जाता है ये। कुछ इंग्रेडिएंट्स को बस आपको असेंबल करना है एंड ये डिलीशियस और प्रिटी डेजर्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो दिवाली इज़ जस्ट अ डे अवे एंड ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दिवाली पे बनाएं, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी ओकेशन पे आप बना सकते हैं। मैं एक रसमलाई ट्राइफल पुडिंग की रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक रसमलाई फ्लेवर की क्रीम। और उसके लिए मैंने लिया है हेवी व्हिपिंग क्रीम, बिल्कुल ठंडी, आधा कप। और उसे आपको विप करना है एक इलेक्ट्रिक हैंड बीटर की मदद से। आप हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसे स्टिफ पीक्स तक बीट करना है। फिर फ्लेवर करूँगी मैं इसे बीच में, जिसके लिए मैंने सैफ्रन यानी कि केसर लिया है और मैंने लिया है कुटी हुई इलायची या इलायची पाउडर ले सकते हैं। और फिर से मैं इसे बीट करने लगूँगी। ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है सैफ्रन की वजह से। मैंने यहाँ पे पिस्टाशियोज यानी कि पिस्ता लिया है और उसे पाउडर फॉर्म में पीस लिया है पूरी तरह से। और 2 टेबलस्पून के करीब मैं क्रीम में डाल रही हूँ। अगर आपके पास पिस्ते नहीं है, कोई और ड्राई फ्रूट्स के पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है रस मलाई एसेंस और उसे मैं डाल रही हूँ 5 से 8 ड्रॉप। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केक्स रेगुलरली बनाती हूँ, तो मोस्ट ऑफ दी एसेंस मेरे पास अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास ये एसेंस नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसे। और क्रीम को बीट कर ले स्टिफ पीक्स तक। सैफ्रन और इलायची का फ्लेवर काफ़ी है इसको फ्लेवर करने के लिए। हमारा विप क्रीम रेडी है और इसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स जो असेंबल करने के लिए चाहिए वो देख लेंगे। लिया है मैंने पिस्ता पाउडर, पिस्टाशियोज, फिर मैंने लिया है रेडीमेड रस मलाई, स्पंज केक को पाउडर कर लिया है, फिर व्हिप क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में लिया है और रोज़ पेटल्स। अब मैं असेंबल करूँगी डिज़र्ट को। एक छोटा ग्लास ले लिया है जिसमें मैं ट्राइफल को असेंबल करूँगी। उसमें मैंने सबसे पहले डाला है जो स्पंज केक का पाउडर है वो, और फिर मैं डाल रही हूँ रस मलाई। रस मलाई की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ पिस्ताशियो का पाउडर और फिर मैं डाल रही हूँ व्हिप्ड क्रीम। फिर सेम रिपीट करना है आपको, स्पंज केक का जो पाउडर है वो उसका लेयर बनाना है, देन रस मलाई डालना है आपको ऊपर से, एंड देन अगेन व्हिप क्रीम। और ऊपर से मैं एक रस मलाई का जो रसगुल्ला है, जो बॉल है, उसे रस निकाल के मैं ऊपर से डालूंगी एक, और पिस्ताशियो और रोज़ पेटल से गार्निश कर लूंगी। सिमिलर तरह से मैं एक और जार भी बना लूंगी। इस रेसिपी से आप 6-7 सर्विंग्स बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप रेसिपी को डबल कर लें। स्पंज केक जो यूज़ किया मैंने यहाँ पे, मेरे पास ऑलरेडी घर पे था वनीला स्पंज केक, उसी को मैंने क्रश करके यूज़ किया। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड रस मलाई और रेडीमेड स्पंज केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट आपको असेंबल करना है ये सारी चीज़ें। कोई भी ओकेजन के लिए परफेक्ट है, इट विल बी परफेक्ट फॉर योर दिवाली डिनर और एनी फेस्टिवल और एनी ओकेजन एट योर होम। आप चाहें तो इसे बना के फ्रिज पे सेट करने के लिए रख सकते हैं ओवरनाइट। कम से कम 2 से 3 घंटे से सेट करें तो टेस्ट इसका और भी बढ़िया आता है। ये देखिए सारे जार्स को मैंने असेंबल कर लिया है, लास्ट जार को भी मैंने असेंबल और गार्निश कर लिया है। और इसे अब मैं रख दूंगी सेट करने के लिए फ्रिज में, उसके बाद मैं सर्व करूंगी। आप भी ऐसा ही करिएगा, बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में और ज़रूर ट्राई करें इसे। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम में मेरे साथ फ़ोटोज़ इसकी शेयर करें। मेरे हैंडल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। आप इस डिलीशियस डिज़र्ट को बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय।